अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे जिंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड पॉपकॉर्न, बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी। चलिए यही स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए 1/3 कप मकई, 1 टेबलस्पून देसी घी का, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून नमक का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पॉपकॉर्न को बनाना। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे देसी घी। आप ऑयल या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मगर आपने ऑयल और घी बहुत कम ऐड करना है, वरना वो बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाएंगे। अब हम डालेंगे नमक को और हमने यहाँ डाले पॉपकॉर्न्स को। अब हमने आंच को तेज कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है। आपने 1 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में आपको घर में पॉपकॉर्न्स रेडी मिलेंगे। हाँ जी, आप देख रहे हैं 1 मिनट गुजर चुका है। अब मैं इसको कर लूंगी कवर। आपने अब इसको कवर करना है और आंच थोड़ी सी तेजी रखनी है। हाँ जी, आप देख रहे हैं 2 मिनट गुजर चुके हैं और पॉपकॉर्न फूलना शुरू हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन पे अपनी आंच को थोड़ी सी आस्ता कर देना है ताकि हमारे पॉपकॉर्न चले नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको वक्फे वक्फे से हर 30 सेकंड बाद इस तरह से करके हिलाते जाना है। आप देख रहे होंगे मैंने हर 30 सेकंड बाद इसको हिलाती गई हूँ ताकि पॉपकॉर्न्स जले नहीं। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आधे पॉपकॉर्न्स आपके जल जाएंगे और जो फूल गए वो फूल जाएंगे। इसलिए हमने इनको इक्वल रखने के लिए और सारों को फुलाने के लिए वक्फे वक्फे से 30-30 सेकंड बाद हिलाते जाना है ताकि ये अच्छे से बन जाए। आपने पॉपकॉर्न्स को इसी तरीके से हिलाना है जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ। ये बहुत ही इजी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप अपने बच्चों को घर में बना के दे सकते हैं। पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। आप देख रहे हैं 5 मिनट में ये पॉपकॉर्न्स बिल्कुल रेडी है। मेरे सारे पॉपकॉर्न्स फूल गए। अब मैं कर दूंगी चूल्हा बंद और इनको निकाल लूंगी प्लेट में। हाँ जी, आप देख सकते हैं मेरे पॉपकॉर्न्स कितने अच्छे और कितने जबरदस्त से रेडी है। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर।